नमस्कार साथियों, तो आज के वीडियो में देखेंगे कि हम किसी भी फ़ैन को, एक्चुअली कूलिंग फ़ैन को, इस तरीके के जो नॉर्मल कूलिंग फ़ैन आते हैं, इससे हम बोर्ड पे कैसे फिटिंग कर सकते हैं। ठीक है, तो आप इसे अगर किसी डिस्कटॉप मतलब की पीसी वगैरह में कैबिनेट में लगाए तो आपको भी बाहर निकालने की उससे ज़रूरत नहीं है, आप ऐसे भी डायरेक्ट फिट कर सकते हैं ऊपर से भी। तो कैसे कर सकते हैं आज वीडियो में वो देखेंगे। तो अगले वीडियो में हमने देखा था इसे एयरो को इस तरफ से करना था। ठीक है, हमने स्क्रू को से इसे इस तरीके से मोड़ा था यहाँ पे इस तरीके से। ठीक है, क्योंकि ये ऐसा था, फिर इसे हमने ऐसे मोड़ा था और ऐसे उठा दिया था और उसके ऊपर निकाल दिया था। ठीक है, तो यहाँ पे हमको जस्ट इसका अपोजिट करना होगा। देखिए, लेकिन अपोजिट करने के लिए यहाँ पर आपको थोड़ा समझना होगा। तो सबसे पहले आपको इसे प्रॉपर देखना होगा कि ये चारों होल जो बैठे हैं यहाँ पर, ये चारों हॉल पे ये प्रॉपर बैठ रहा है कि नहीं, क्योंकि सभी बोर्ड के फैन अलग आते हैं, बस फिटिंग और इंस्टॉलेशन सेम होता है। ओके, तो ये हमको सबसे पहले तो यहाँ पे देखना है और सभी के एरो इस तरफ होने चाहिए जहाँ से हमने ओपन किया है इसे, सभी के एरो। अभी यहाँ पे देखिए, ध्यान दीजिए, यहाँ पे थोड़ी समझने जैसी चीज़ है। अब ये जो पॉइंट होता है इसका, नीचे वाला पॉइंट, ठीक है, तो यहाँ पर आपको क्या करना है, इसे हल्का सा प्रेस करना है और इसे ऊपर की तरफ हल्का सा उठाना है, मतलब इसे इस तरीके से हल्का सा उठाना है और इससे हल्का सा प्रेस करना है। तो ये अब ठीक है, इस तरीके से कर सकते हैं आप। इस तरीके से भी रखे मतलब जैसे बोर्ड पे है उस तरीके से भी देखिए, ये इसे हल्का सा नीचे से प्रेस करके रखा और इसे हल्का सा उठा दिया, ठीक है, ये बैठ गया। तो यही चीज़ यहाँ पर भी करना होगा, ध्यान से देखिएगा ये प्रोसेस को। देखिए, मैं इसे यहाँ पर रखा रहा हूँ, ठीक है, हॉल पर ये प्रॉपर बैठ रहा है, इसे मैं नीचे की तरफ प्रेस करके रखा हूँ, हल्का सा ताकत नहीं लगाना, और इसे ऊपर की तरफ करेंगे, ठीक है, और इसे आसानी से ये बैठ जाएगा। ठीक है, अभी यहाँ पे भी ध्यान से समझिए, लास्ट टाइम है, इसे मैं उठा रहा हूँ, ठीक है, और इसे मैं नीचे की तरफ प्रेस कर रहा हूँ, ठीक है, ये नीचे हो गया, ये नीचे की तरफ चले जाना चाहिए। ओके, अब ये होने के बाद इसे, ये जो ऊपर का ओपनर हमने उठाया था, इसे दबा देना है, ठीक है, इस तरीके से दबा देना है, और यही चीज़ हमको यहाँ पे भी करनी है। इसे दबा के, एक्चुअली हो सब पॉसिबल हो सके तो पहले हमेशा मत मोड़िए चारों तरफ से, बस इसे इतना ही दबा के रखना है। फिर उसके बाद यही चीज़ हमको यहाँ पे भी करनी है, देख सकते हैं ये हुआ है, ठीक है, इसे भी हम इस तरीके से दबा देंगे। सॉरी, ये देखिए, ये दब गया, वही चीज़ यहाँ पे भी करनी है, देखिए ये उठा हुआ है, ठीक है, इसे हम यहाँ पे दबा देंगे। ओके, ये हो गया, अब क्या करना है हमको, ये हो जाने के बाद इसे सिंपली दबा के, थोड़ा प्रेस करके ऊपर से, ऐसा हल्के हाथों से नहीं, इसे दबा के ही इसे बैक साइड में, अपोजिट साइड पे मोड़ दीजिए, और ध्यान दीजिएगा ये हिलना नहीं चाहिए, मतलब ज़्यादा ताकत नहीं, नॉर्मली हिलना नहीं चाहिए। तो वही चीज़ हम यहाँ पर भी करेंगे, ठीक है, इसे नीचे की तरफ हमने दबा के रखा था, ठीक है, इस तरीके से दबाने के बाद इसे हम दबा के रखेंगे और पीछे की तरफ मोड़ देंगे, ठीक है, फिर वापस से वही चीज़ यहाँ पे भी है, ठीक है, दबा के रखेंगे और पीछे की तरफ इसे मोड़ देंगे। और अगर कोई फ़ैन ऐसे नहीं बैठ रहा है प्रॉपर, तो इसका मतलब है वो बोर्ड का फ़ैन वो नहीं है, दूसरे बोर्ड का फ़ैन है, ठीक है। देखिए, इसे भी हम यहाँ पे ऐसे दबा के रखेंगे और मोड़ देंगे, ठीक है, तो आप देख सकते हैं चारों कॉर्नर प्रॉपर बैठ चुका है, सॉरी, ठीक है, नीचे से दब चुका है ऐसे चारों कॉर्नर, ओके, कुछ भी उठा नहीं है, और ये लॉक प्रॉपर हो चुके हैं, ठीक है, और अब ये हिलेंगे भी नहीं, आप इसको उठा के देख सकते हैं, ये ब्लैक वाले जितने भी हैं सारे ऐसे नीचे दिखने चाहिए अच्छे से। तो ये हो गया, उसके बाद आप इसे कनेक्टर को, जहाँ इसका 4 पिन कनेक्टर है फ़ैन कूलिंग का, आप वहाँ पे लगा दीजिए, ये प्रोसेस हो गया। तो वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा, उम्मीद है वीडियो पसंद आए, वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिए।